हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। और मैं हूँ वर्षा। आज मैं सिंपल और क्विक दाल पालक की रेसिपी बनाने वाली हूँ, तो देखते हैं उसके लिए क्या क्या लगता है। यहाँ पे मैंने 1/2 किलो पालक लिए, उसे अच्छे से साफ करके वॉश करके ऐसे कट करके रखा है। एक प्याज बारीक कटा हुआ, 4 हरी मिर्ची ऐसे बीच में कट किया है मैंने, हरा धनिया, कड़ी पत्ता, 3 से 4 लाल मिर्ची, 3 से 4 लहसुन की कलियां, इसे मैंने हल्का सा क्रश कर लिया है, 4 से 5 चम्मच तेल, 1/2 चम्मच लाल मिर्ची पाउडर, 1/3 चम्मच हल्दी पाउडर, 1 चम्मच राई, 1 चम्मच जीरा, 2 चुटकी हींग, नमक स्वाद के अनुसार। और यहाँ पे मैंने 1 कप तूर दाल ली है। तो बनाते हैं दाल पालक। यहाँ पे मैंने गैस ऑन करके कुकर रख दिया है। दाल पालक मैं कुकर में ही बनाने वाली हूँ डायरेक्टली। तेल डालेंगे, तेल गरम होने के बाद हींग डालेंगे, जीरा और राई। जीरा और राई अच्छे से फ्राई होने के बाद लहसुन डालेंगे, लाल मिर्ची डालेंगे। मैं 2 लाल मिर्ची को तोड़ के डालूंगी और बाकी होल डाल दूंगी। और इन्हें अच्छे से मिक्स करना है, फ्राई करना है। मिर्ची और लहसुन अच्छे से फ्राई हो चुके हैं, अब इसमें कड़ी पत्ता डाल देंगे। कड़ी पत्ता भी फ्राई हो चुका है, अब इसमें प्याज और हरी मिर्ची साथ में डाल देंगे और इसे मीडियम फ्लेम पे प्याज का कलर चेंज होने तक फ्राई करेंगे। प्याज हल्का सा भून चुका है, अभी इसमें हम दाल और पालक डाल देंगे। और साथ में लाल मिर्ची पाउडर, हल्दी पाउडर डालेंगे और इन सबको अच्छे से मिक्स कर लेंगे। दाल पालक मिक्स कर लिया है मैंने, तो अभी इसमें पानी डालेंगे। तो मैंने 1 कप तूर दाल ली थी, तो इसमें मैं 3 कप पानी डालूंगी। मिक्स करेंगे एक बार। अभी हम कुकर का ढक्कन लगा लेंगे और मीडियम फ्लेम पे 3 विजन आने तक दाल और पालक को पकाएंगे, फिर उसके बाद गैस बंद कर देंगे। 3 विजिल हो चुकी है और मैंने गैस को बंद कर दिया है। कुकर थोड़ा ठंडा होने के बाद हम उसे खोल देंगे। कुकर ठंडा हो चुका है, तो अभी इसे हम खोलेंगे और गैस को एक बार फिर से चालू कर देंगे। तो देखते हैं दाल पकी कि नहीं। अच्छे से पक चुकी है दाल। अभी इसमें नमक डालेंगे और हरा धनिया। आपको पानी कम लग रहा है तो आप पानी डाल सकते हैं, लेकिन अभी तो बराबर है। एक बार मिक्स कर लेंगे अच्छे से और मीडियम फ्लेम पे 1 से 2 मिनट दाल को और बॉईल होने देंगे। 1 से 2 मिनट हो चुका है और दाल भी अच्छे से बॉईल हो चुकी है। तो रेडी है हमारी दाल पालक। तो अभी मैं गैस बंद कर दूंगी और इसे एक अच्छे से बाउल में सर्व करूंगी। तो रेडी है हमारी दाल पालक। तो आपको मेरी ये रेसिपी अच्छी लगी होगी, तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट्स कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए।